φανταστά. Κόνε τα σκυσμίσει, ζώμε ψωμπατστά. Ριχότ μαμό, κλαρό, κορτσόκο, γαστά. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये वाली एडिटिंग जो अभी आप लोगों ने देखी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइस यहां से आप लोग अपना फ्री फायर गेम ओपन कर लेना और आप लोगों को एडम एकदम नूब बन जाना है। एडम करेक्टर लेने के बाद तो आप लोग अपना जैसे इमोट वाला सेक्शन को ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना है यहाँ से। तो भाइयों यहाँ से आप लोग अपना ये वाला इमोट कर लेना है। ये आप लोग के पास अगर ये वाला इमोट नहीं हो तो आप लोग कोई और सा भी कर सकते हो। ये इतना हमारे को एक ये इमोट करने के बाद वापसी से बैग आ जाना है। ये देखो भाई, इधर से हमारे को अपना करेक्टर वाला सेक्शन ऑन करना है और यहाँ से उन्हें हमारे को अपने डीजे भाई को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना डीजे लोग ले लिया है। अब फिर से इमोट सेक्शन के अंदर जाएंगे अच्छे से कपड़े पहनाने के बाद, और वही वाले इमोट हमें दोबारा से करना है। तो ये कर लिया हमने एक इमोट, अब और भी अदर्स इमोट करने हैं एडिट करने के लिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये वाला इमोट कर लेते हैं और एक फ्लैग इमोट कर लेते हैं यहाँ से दूसरा वाला। आप लोग देख सकते हैं ये वाले, आप लोगों को अलग अलग इमोट करने हैं। जो आप लोगों के पास अवेलेबल है इमोट वो आप लोग कर सकते हैं आराम से, ईजीली, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना आप लोगों के पास इमोट आप वो करें, अच्छी आपकी वीडियो फिर भी एडिट होएगी। तो भाइयों यहाँ से आप लोग अपना कैप कट ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग को एडिटिंग करनी है तो आप लोग देखें जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जैसे मैं स्टेप्स आपको बताऊँ आप लोग वो फॉलो करने हैं। यहाँ से जो हमारा फालतू का पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने अपना रिमूव कर दिया यहाँ से वाला पार्ट। तो मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर, हाँ सबसे पहले आपको रेशो रखना है जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से, और इसको ऊपर से जूम करना है, आपको दोनों फिंगर से जूम करना है, इसको स्क्रीन को एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एकदम बीच में इसको सेंटर में रखना है अपने इमोट के मुताबिक कि आपका इमोट बंदा कहाँ जा रहा है। तो देखें मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। अब आपको अपने इमोट को एडजस्ट करना है, मतलब कि आपका कहाँ से बंदे का करेक्टर के कपड़े जो बंदे के चेंज होंगे वो कहाँ से होंगे। तो देखो यहाँ से मैंने निशान लगा लिया स्प्लिट करके, आप लोग जैसे जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ आप लोग भी लगाते जाएँ। यहाँ पर मैंने एक लगाया था निशान और अब मैं आगे आ रहा हूँ जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी। तो आप लोग देखें ये पीछे मैं आया था बैक, ये वाला अभी हमने करा था, अभी ये हमने यहाँ से पिछले यहाँ से हम लोगों ने कट करा था, तो उसको मैं यहीं से कट कर दूंगा और ये बीच वाले पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हमारी एडजस्ट हुई है वीडियो। तो भाई ऐसे ही और आगे स्टेप्स अपने फॉलो करते हैं। अब दूसरे मोड पर एक ही मोड हमारा डन हो गया। तो गाइस इस इमोट के एंड में हमारे को इसका पार्ट हल्का सा रिमूव यहाँ से कट करना है और यहाँ की इसकी स्पीड एकदम थोड़े कम कर देने हैं, 5x के ऊपर करने के बाद इसकी बेटर क्वालिटी पर डन कर देना है। तो भाई ये लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारी एक हो चुकी है। ये देखो भाई कितने अच्छे हमारा परफेक्ट एकदम एडिटिंग हुई है। अब यहाँ से आगे आ जाते हैं, अब हम लोग अपने सेकेंड इमोट को एडिट करेंगे यहाँ से। ये देखो आप देख सकते हैं जैसे एडजस्ट कर लेंगे स्क्रीन को यहाँ से, तो देख सकते हैं हम लोग पहले यहाँ से कट कर लेंगे इसको। यहाँ से हमारा इमोट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम लोग इसको कट करके फालतू का पार्ट रिमूव कर देंगे, पिछले से इसको चिपका देंगे। तो यहाँ से हमारे को कट करके इसकी स्पीड को वही करना है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इतने पर रख के इसकी बेटर क्वालिटी करके इसको डन कर देना है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा ये भी हमारा डन हो गया। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो भाई देखो ज़बरदस्त लग रही है, हो गया। तो भाई आप लोग अब यहाँ से हम अपना थर्ड इमोट जो उसको एडिट करेंगे, तो इनका भी वही सिंपली स्टेप्स है जो मैंने अभी आप लोगों को पिछले अभी बताया था। इसको इधर से करके शुरू जहाँ से इमोट हो रहा है यहाँ की साइड से, इसको फालतू का पीछे का पार्ट जो है वो हटाने के बाद इसकी स्पीड कम करके इसको बेटर क्वालिटी के ऊपर डन कर देना है। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी हमारा डन हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं भाई, ज़बरदस्त वीडियो हमारी बन रही है एकदम आतंक। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे को अपना दूसरा अमाउंट को भी एडिट करना है इसी तरह, पिछला पार्ट हमारे को फालतू निकाल देना है यहाँ से। ये जहाँ से हम बैग पकड़ लें यहाँ की साइड से इसको पिछला पार्ट रिमूव करना है और यहाँ से उसी की तरह हमारे को स्लो मो इसके अंदर भी एडिट करना है। यहाँ से पहले हम इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ से अब हम लोग अपना अगला पार्ट देखेंगे हमारे को कहाँ से कितना स्लोमो लगाना है इसके अंदर। यहाँ से लगाने के बाद इसकी स्पीड को भी हम वही कर देंगे 5x और बेटर क्वालिटी पे कर देंगे। ओके गाइस, तो ये भी हमारा डन हो चुका है, हम अपनी वीडियो चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका काफ़ी अच्छा स्लोमो आया है। ओके तो भाई हम लोग अपना चेक कर लेते हैं कैसी लग रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से अब हम लोग अपनी वीडियो देख लेते हैं कैसी लग रही है भाई। और हम लोगों को अब यहाँ से अपना सबसे पहले जैसे साउंड एडिट करना है। अच्छा, साउंड की लिंक मैं आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन के अंदर दूंगा, ऊपर पिन हुई भी मिल जाएगी आपको वो वाली वीडियो, उस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब आप लोगों को अपने साउंड के मुताबिक अपनी वीडियो को एडजस्ट करना है, जो पार्ट आपका आगे पीछे उसको एडजस्ट करना है यहाँ पर।
अपने साउंड के मुताबिक, जैसे मैं आप लोगों को एडिट कर रहा हूँ आप लोगों को भी वैसे एडिट करना है। तो साउंड आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कैसे आपके वीडियो का पार्ट है और आप लोग उसको एडजस्ट कर लें, कितना आप लोगों को कट करना है, कितना क्या। आप लोगों को जो मेरी वीडियो दिखेगी उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे एडिट हुई हुई है। तो यहाँ से मैं भी आप लोगों को इस सब में एडजस्ट करने के बाद मिलता हूँ। तो भाई आप लोग चेक करें। Mr. Bombastic, Bomba Fantasta, Tornetas Christmas is a Metsom Gatsta, Rihot Mano Claro, Porchokos Gatsta। तो गाइस इतना काम कंप्लीट होने के बाद अब आप लोगों को अपनी वीडियो के ऊपर एनिमेशन लगाना है, तो चलो देख लेते हैं कैसे एनिमेशन लगेगा। इधर से सबसे पहले आप लोगों को इधर शेक वन का इफेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने शेक इफेक्ट वन लगा दिया है। तो और भी ऐसी सारे क्लिप्स के ऊपर हम लोग लगाते जाएंगे, तो आप लोग देखते जाइए जो जो इफेक्ट्स वगैरह हम लोग लगा रहे हैं आप देख रहे हैं, वो आप लोग अपनी वीडियो के क्लिप्स के अंदर लगाइएगा, यूज़ करिएगा, तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। तो भाई दर्श हम लोग अपनी वीडियो देख लेते हैं कैसी बनी है। Mr. Bombastic, Bomba Fantasta, Tornetas Christmas is a Metsom Gatsta, Rihot Mano Claro, Porchokos Gatsta। तो भाई हमारा इतना काम भी डन हो गया, हमारे को अपना एक इफेक्ट एक और इसके ऊपर अप्लाई करना है, इस वाली वीडियो के ऊपर। तो भाई ये देखो हमने यहाँ से एक इफेक्ट लगाना है, ये आपने इफेक्ट वाला सेक्शन ऑन करना है और ट्रेंडिंग पर ही रहना है आप लोगों ने। यहाँ पर ये मेरे लोडिंग ले रहे हैं, मेरा ज़रा नेट स्लो चल रहा है, तो मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ। ये वाला जो आपको ऊपर जो दिख रहा है ब्लैक फ्लैश जो आपको दिख रहा है, तो इस वाले इफेक्ट को आप लोगों ने अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है, जहाँ से आप लोगों की ड्रेस चेंज होती है ना आपके करेक्टर की, वहाँ से लेकर एंड तक इस वाले इफेक्ट को आप लोगों ने अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो अब इस वीडियो को चेक करते हैं कैसी बन रही है। Mr. Bombastic, Bomba Fantasta, Tornetas Christmas is a Metsom Gatsta, Rihot Mano Claro, Porchokos Gatsta। तो भाइयों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो बन चुकी है, तो यहाँ से अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोग और इधर से इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो सिंपल सी है, अच्छी है, आगे आप लोगों के लिए मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।